मैं सीधे चलूंगा अमोद जी के पास। अमोद जी, क्या क्या जानकारी और आ रही है? देखिए, फौरी तौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कोविड मैनेजमेंट को लेकर होगी और वैक्सीनेशन ड्राइव को इजाफा करने को लेकर होगी। उसके बाद गैर राजनीतिक बात अगर होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश में चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या किया जा सकता है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। खास करके कैबिनेट एक्सपेंशन करने की जो बात कही जा रही है उसमें कुछ लोगों को शामिल करने की बात कही जा रही है। जिस तरह से AK शर्मा ने, जो प्रधानमंत्री के खासे करीबी अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश में MLC बनकर गए, उन्होंने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट का काम किया उसको देखते हुए उनको भी कैबिनेट में लेने की बात कही जा सकती है, की जा सकती है। और साथ ही वहाँ पे जो कैबिनेट एक्सपेंशन जब हो तो उसमें अलायंस पार्टनर्स को भी ध्यान रखा जाए, खासकर अपना दल को उसमें एडजस्ट किया जाए, इस बात की भी ताकीद हो सकती है। इसके अलावा जो BL संतोष ने रिपोर्ट सबमिट किया था केंद्रीय नेतृत्व को, उसमें जो शिकायतें आई थी या जो कंप्लेन लोगों की थी उसको दुरुस्त करके अगले चुनाव की रणनीति के लिए जुटने की बात कही जा सकती है। निशांत, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज की बातचीत का मुख्य अंश हो सकते हैं। प्रधानमंत्री से भले ही राजनीतिक बातचीत कम हो, लेकिन उसके बाद JP नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनसे जब बातचीत होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट एक्सपेंशन, उसके अलावा कोविड मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने, कैबिनेट में किन किन को शामिल किया जा सकता है, इन सब तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, आप प्रधानमंत्री आवास पर हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या क्या, कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या इनसाइड इनपुट्स क्या क्या आ रहे हैं? देखिए निशांत, आपसे थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। 10:45 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात है। और अगर मैं बात की शुरुआत इससे करूं कि आज के मायने को आप दोनों संदर्भों में देख सकते हैं, परफॉर्मेंस और पुनर्गठन के संदर्भ में। पुनर्गठन को लेकर आमोद जी ने विस्तार से बताया ही है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शलभ मनी जी बताएंगे या कन्फर्म कर सकते हैं इस बात को कि जो योगी आदित्यनाथ ने किताब गृहमंत्री अमित शाह को दी थी समाधान को लेकर, तो वो किताब आज प्रधानमंत्री मोदी को भी दे सकते हैं। तो वो समाधान क्या होगा, समाधान कि अगले एक साल तक ऐसी क्या तैयारी होगी उत्तर प्रदेश में जिससे उत्तर प्रदेश अपनी चुनावी नैया को भी पार कर सके, अगले एक साल तक ऐसी क्या तैयारी होगी कि कोविड मैनेजमेंट भी कर सके, और सबसे बढ़कर कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके का हो सके। क्योंकि पार्टी के ही एक नेता BL संतोष की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में लखनऊ को लेकर जो एक परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन में किस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच तालमेल हो, इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये तमाम मुलाकातें हो रही है। और उसी संदर्भ में जब प्रधानमंत्री मोदी के पास वो आएंगे, यहाँ मुलाकात होगी, तो कोरोना के दूसरी लहर और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद कर रहे हैं। ये दोनों जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार बता देता हूं मैं, ये किताब का नाम है COVID-19 एंड द माइग्रेंट क्राइसिस रेजोल्यूशन। ये एक रिसर्च बुक है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेरेटिवनेस और इसके अलावा एक रिसर्च पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन जो हार्वर्ड में बेस्ड है उसने ये बनाया है, और इसमें डिटेल्ड पूरा है कि UP सरकार ने कैसे माइग्रेंट क्राइसिस को हैंडल किया पिछले साल और कैसे अलग अलग चीजों को हैंडल किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।